बना हुआ डोरमेट। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए आइए मैं इसे बनाना सीखूँ। ये मैं डोरमेट सिखाने जा रही हूँ। ये फैदर की ऊन से है, ये बची हुई ऊन है उससे मैंने बनाया है और इसमें 45 फिंदे डाले हैं मैंने। चलो हम इसको सिखाते हैं। ये 45 फिंदे हैं, इसी तरह से हम शुरुआत करेंगे। 45 फिंदे डाल लेंगे, फिर हम दो हम सिलाई सीधी निकालेंगे, उसके बाद हम डिजाइन डालेंगे। ये देखना मैं 28 फिंदे इनको बिन लूँगी पीले से, फिर 14 फिंदे हम इधर से बिनेंगे, रेड लगाएंगे जो पत्ती हमारी बन जाए। ये देखिए हमने 28 फिंदे बिन लिए हैं, अब मैं रेड के 14 फिंदे बिनूंगी इस तरह से। 2, 3, 4, 5 ये देखना मैंने 14 फिंदे बिन लिए हैं। ये 3 फिंदे मैं बगैर बुने यहीं पे रख दूंगी, ये बगैर बुने रहते हैं, जब पीले से बुनते हैं तभी ये बुने जाते हैं। ये 3 फिंदे इसी तरह से रहेंगे। अब इसको मैं उल्टा उल्टा बनाऊंगी, उधर सीधा है हमारा, इधर उल्टी साइड है, इस तरह से ये मैं पूरा बना लूंगी जहाँ तक रेड बनाया है। ये पीले से भी हम यहाँ तक आ गए हैं बुनते हुए। एक फिंदा मैं साइड से उतार लेती हूँ, इस तरह से ये सीधा सीधा जाएगा। यहाँ पे मैं ये वो प्लस का निशान बनाया है मैंने, इसी तरह से यहाँ पे हम बनाएंगे। ये 4 फिंदे हमने पीले से बिन लिए हैं, अब मैं 4 ग्रीन से बिनूंगी। 1, 2, 3, 4 इस तरह से ये हमें सिलाई निकालनी है। ये पीली पीली तरह से जाएगी। अब मैं 2 यहाँ पे छोड़ दूंगी, 2 रेड से कर लूँगी। ये देखना मेरे पीले से है तो मैं रेड से ये बना लूँगी इस तरह से। ये सीधा ही सीधा बनेगा। ये फिर हम जाएंगे तो इधर 2 फिंदे फिर छोड़ दूँगी इस तरह से, ये सीधा ही सीधा बनेगा, उधर से उल्टा ही उल्टा बनेगा। ये हम 4 फिंदे की 4 ही सिलाई निकाल लेते हैं, 2 उल्टी 2 सीधी इस तरह से। अभी ये इधर से जैसे ये बनाया है ना, इतना बन गया है। अब मैं यहाँ पे 12 फिंदा अब की सिलाई में कर लूँगी, इसी तरह से ये 4 सिलाई में बनता है। 4-4 सिलाई निकालनी पड़ती हैं तब ये प्लस का निशान बन जाता है। ये देखना मैंने रेड की 4 सिलाई निकाल चुकी हूँ और इस तरह से हमने बनाया है। अब मैं इससे नीले से 2 बनाएंगे, 2 फिंदे इस तरह से लेंगे ये पीले के, इसी तरह से फिर हम चौथी सिलाई निकालेंगे तो इधर से 2 ले लेंगे। अब ये हम पूरे नीले कर लेंगे फिंदे, यहाँ तक ये 4 छोड़ देंगे, बाकी कर लेंगे। ये 14 के 14 ही फिंदे चलते हैं। ये देखिएगा मैंने 4 सिलाई इसकी निकाल ली हैं। अब मैं एक फिंदा उतार के ग्रीन से बना लूँगी। 12 फिंदे बुनने हैं इसी तरह से और ये वाली ऊन हम साथ में ले जाएंगे। चार हमने इधर से बना लिए हैं, 4 इधर से बनाएंगे। इस तरह से हमें इसकी 4 सिलाई निकाल लूंगी तब फिर 4 बच जाएंगे मेरे, इधर उधर 4 छोड़ देंगे। ये देखना पहले हमने नीले से ये 2 बनाए थे, अब नीले से ये 2 फिर बनाएंगे, 4 सिलाई हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। फिर मैं रेड धागा इसी तरह से लगा लूँगी, इधर से मैं 2-2 फिंदे छोड़ती आऊँगी, जिस तरह से हमने ये रेड छोड़े हैं 4, इसी तरह से इसमें 4 छोड़ दूँगी। अभी 2 छोड़ूंगी, फिर जब रेड से बनाऊँगी तो फिर 2 और छोड़ दूँगी इसी तरह से। ये हाफ कली तैयार हो जाएगी। ये देखना अब मैंने ये 4 सिलाई निकाल ली हैं हरे की, पीले के हम 4 कर लेंगे इधर, एक उतार लिया तो 3 रहेंगे यहाँ पीले के और हरे के 4 रह जाएंगे।
जो हमने नीचे से शुरुआत किया था वही हो जाए। चार फिंदे हमने बिन लिए। इस तरह से अब मैं इनको पीला कर लेंगे, बीच में हमारे चार ही बचेंगे साइड साइड की। ये देखना निशान बन के तैयार होगा। इसी तरह से ये हमारी कली भी कंप्लीट हो जाएगी। ये पत्ती वाली डिजाइन है, ये तैयार हो जाएगी। अब मैं देखना रेड वाली चला रही हूँ, फिर नीली चलाऊँगी। यहाँ पे हमारे दो फिंदे बचेंगे सिर्फ पीले के, तब तक चलती रहेगी ये। इसी तरह से बनेगी ये, अभी हाफ बन रही है, फिर उधर का साइड हम फिर बताएंगे। ये देखना हाफ पत्ती बन के तैयार हो गई मेरी। अब उधर साइड पे और बनाएंगे। अभी मैं चार सलाई पीले से निकालूंगी सीधी सीधी, फिर स्टार्ट करूंगी पत्ती बनाना। ये देखिएगा मैंने चार सलाई निकाल ली हैं, दो उल्टी दो सीधी। अब मैं पहले डिजाइन इधर से शुरू करी थी, अब ऊपर साइड से डिजाइन शुरू होगी मेरी। ये दो फिंदे मैं पीले से बना लेती हूँ और ये 14 फिंदे हम रेड से बनाएंगे। ये देखिए हमने 14 फिंदे रेड से बना लिए हैं। अब इसको मैं उल्टा करके यहीं से फिर शुरू इधर को कर देंगे, और दो दो फिंदे जिस तरह से हमने नीचे से बढ़ाए थे उसी तरह से हम दो दो फिंदे इधर से बढ़ाते चले जाएंगे। ये फिंदे इस तरह से, अभी पहली सिलाई ये निकल रही है मेरी। ये देखना अब मैं पीले के, अब ये दो हैं मेरे पास, अब चार हो जाएंगे। इधर से दो मैंने रेड वाले ले लिए, बाकी रेड बना लेंगे। इधर से दो हम रेड के उठा लेंगे इधर से। इस तरह से ये एक कली कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम दूसरी ऊन लगाएंगे ब्लू कलर वाली, इसी तरह से बनाते चले जाएंगे इसको। ये देखिएगा एक हमने रेड से डाल ली है, एक ये वाली डल रही है, जैसे इधर पड़ी है ये इधर पड़ रही है, इसी तरह से लाइन से पड़ती जाएंगी। रेड की जगह पर रेड और ब्लू की जगह पर ब्लू, और दो फिंदे हम सीधे सिलाई में इस तरह से इसको हम बढ़ाते जाएंगे। हर सीधी सिलाई में दो फिंदे बढ़ेंगे और इधर से पीले पीले होंगे। ये जैसे नीले हैं तो दो फिंदे नीले हो जाएंगे, इस तरह से बनती जाएगी। इसी तरह से ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए हम तीसरी वो बना रहे हैं, एक दो तीन चौथी वो लाइन बना रहे हैं पत्ती की, तब हम ये प्लस का निशान बनाते हैं। इसको मैं चार बुन लूँगी, चार फिंदे इस तरह से, बाकी सारे पीले हो जाएंगे। इसी तरह से हमारी डिजाइन बढ़ती जाएगी। ये देखना मेरी पत्ती पूरी बन के तैयार हो गई है, और ये मैं अब दो सिलाई निकाल रही हूँ पीली वाली से। ये हमारे जो लास्ट के तीन फिंदे बचे थे, अब हम पीले से इसको बिनोगे इसी तरह से ये, फिर उतार के हम फिंदे जोड़ देंगे इसको।